साहस सरोकार। तरफ से हुई जमकर गोलीबारी, पुलिस ने तीन नक्सलियों के घायल होने का किया दावा। सड़क हादसे में बच्चे की मौत, घर के पास खेल रहे बच्चे को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, अस्पताल ले जाने से पहले ही बच्चे ने तोड़ा दम। बीजेपी की बैठकों पर कांग्रेस का तंज, कहा भाजपा अब तक चेहरा तय नहीं कर पाई, जितनी भी बैठकें करेंगे फिजूल साबित होगी। दो समुदाय के बीच जमकर मारपीट, मारपीट के 11 आरोपी गिरफ्तार, पूरा गांव छावनी में तब्दील, जावर भी लगाया गया। 10 अप्रैल को छत्तीसगढ़ बंद का वाहन, पैरों में गिरकर माफी मांगने वाले एएसआई से मारपीट, मारपीट का वीडियो वायरल करने वाले दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। कबीरधाम में गौवंश की हत्या कर गौमांस बेचने का काम लगातार जारी है। वही ताजा मामला लालपुर नर्सरी के पास का है, जहां 7 आरोपियों ने गौवंश की हत्या कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। वही गांव के लोगों ने इसकी सूचना विश्व हिंदू परिषद के गौ रक्षा समिति को दी है, जिसके बाद गौ रक्षा टीम ने पुलिस के साथ मिलकर आरोपियों को पकड़ने का भी प्रयास किया, जहाँ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य 5 आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में लगातार जुटी हुई है। ये था कि अपन लोग को सूचना मिला था कि यहाँ पर लालपुर के पीछे साइड वाले एरिया में कुछ लोग गाय को काट काट के बोरी में भर भर के यहाँ पे छुपा रहे थे। जब हम लोग यहाँ पर आए तो हम लोग देखे कि 5-7 लोग थे यहाँ पे। उसके बाद जब हम लोग आए ना तो वो सब भाग चुके थे। उसके बाद अपन 2 आदमी लोग को जो रुकवा के रखे हुए थे, फिर पुलिस को सूचना दिए, फिर जब पुलिस आई उसके बाद अपन जब देखे तो बोरे में से ना गाय के जो मांस के टुकड़े छोटे छोटे बड़े बड़े काट काट के यहाँ पे रखे हुए थे। उसके बाद जब अभी सर डॉक्टर सर को यहाँ पे बुला के जब गाय के आप मुलाजा करवाया गया तो पता चला कि उनके जो गाय की जो यहाँ की नस रहती है वहाँ उसको डैमेज करके उसकी हत्या करके उसको काटा गया था जी। इसको देखने से पता चला है जो बछिया है ये, मतलब इसका जो जुगलर वेन पे कट का निशान है, उसके अलावा जो है अंदर पे देखने पर उसके अंदर में 2 कट है। तो मृत्यु कारण जो है जुगलर वेन काटने के कारण है, और इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन या बीमारी कारण नहीं मरा, क्योंकि इसके जो वाइटल ऑर्गन है, जो अंदरूनी अंग देखे गया है प्राप्त जो पोस्टमार्टम पाया गया, तो उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन या बीमारी कारण मृत्यु ऐसा प्रतीत नहीं होता है। दूसरी बात, इसके जो मांस को काटा गया है उसको देख के भी ऐसा नहीं लग रहा है कि यदि कोई बीमारी होती है तो मांस को उस तरीके से नहीं काटा जाता है जिस तरीके से इसको पाया गया है। थी लालपुर नर्सरी के पास कुछ लोग संदिग्ध परिस्थिति में गाय के साथ क्रूरता कर रहे हैं ऐसा करके, तो पुलिस टीम तुरंत वहाँ रवाना हुई थी, जहाँ पे मौके पे 2 लोग मिले थे, एक राजेंद्र बांधकर और रज्जू महोबिया, उसे तत्काल हिरासत में लेके पुलिस ले आई है और उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है 429-34 IPC एवं 4-6 प्रसूकृत अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। जांच गिर में जिला जेल में बंद कैदी ने गमछे को रस्सी बनाकर फांसी लगाते हुए आत्महत्या कर ली है। मृतक को 5 अप्रैल 2023 को जिला कोर्ट ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और पॉक्सो के मामले में 20 साल की सजा सुनाई थी, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे SDM तहसीलदार ने पंचनामा की कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि मृतक के पास से सुसाइड नोट और एक लड़की की फोटो बरामद हुई है। मृतक के परिजनों ने निष्पक्ष जांच करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की भी अब मांग उठाई है। दंडित बंदी बनवारी कुमार उर्फ नानू पिता ललित कुमार कश्यप है ना, इनको दिनांक 5/4/23 को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा हुआ था 363, 366, 376 में, और जुर्माना भी हुआ था। इनने कल सायं 6:30 के आसपास है ना बैरक नंबर 10 का बैरक 11 नंबर ऊपर की जो सीढ़ी में चढ़ते हैं ना, रोशनदार के सफेद रंग का गमछा बनाकर आत्महत्या कर ली। गुड फ्राइडे को ईसाइयों की मान्यता के अनुसार ईसा मसीह अपने मृत्यु के बाद कब्र में लेटे थे। बता दें कि गुड फ्राइडे ईस्टर के 3 दिन पहले मनाया जाता है। ईस्टर के दिन यीशु मसीह वापस जी उठते हैं।
वहीं गुड फ्राइडे के दिन यहूदी शासकों ने ईसा मसीह को तमाम शारीरिक और मानसिक यातनाएं देने के बाद सूली पर चढ़ाया था। वहीं ईसा मसीह ने मानव जाति के लिए हंसते हंसते अपना जीवन तक कुर्बान कर दिया था। गुड फ्राइडे को जगदलपुर में सभी ईसाइयों ने श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करते हुए मनाया, जिसके बाद एक विशाल रैली भी निकाली गई जो सभी मुख्य चौराहों से होते हुए देर शाम को वापस चर्च पहुंची, जिसमें जिला प्रशासन ने पूरा सहयोग किया है। सबको नमस्कार। मैं फादर श्रीनो कैथोलिक चर्च जगदलपुर से हूँ और आज हमारा गुड फ्राइडे है। गुड फ्राइडे में ईसा मसीह का मृत्यु का त्यौहार मनाते हैं। ईसा मसीह के मरने के 3 दिन बाद ईसा मसीह मृतकों में से जी उठा, उसी का त्यौहार हम लोग ईस्टर के दिन मनाते हैं। इसलिए ईस्टर के 3 दिन पहले शुक्रवार के दिन मतलब गुड फ्राइडे मनाते हैं। उसी दिन ईसा मसीह का मृत्यु का त्यौहार है। ईसा मसीह का मृत्यु के बाद 3रे दिन जी उठता है, वही है हमारा कैथोलिक विश्वास। मतलब हमारा सबसे प्रथम त्यौहार वही है ईस्टर। ईस्टर मनाने के पहले हम लोग इस गुड फ्राइडे मनाते हैं। आज हम जगदलपुर में गुड फ्राइडे मनाए। जितने सारे कैथोलिक विश्वासी लोग यहाँ जगदलपुर शहर में रहते हैं, उन्हें सब लोग आए और एक साथ हम लोग उसकी यादगार में एक रैली निकाले, शांतिपूर्ण रूप से रैली निकाले और प्रशासन ने साथ दिए। उसके बाद हम लोग रैली शांतिपूर्ण रूप से किए, उसके बाद प्रार्थना हुआ, सही अच्छी तरह से ये गुड फ्राइडे का यह त्यौहार हम लोग मना सके। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।